हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की, तो ले आए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। क्या है नाम? शार्क टैंक इंडियन सैवेज मूवमेंट। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी यार। शार्क टैंक मुझे इतना नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत पता है कि एक वो शो है इंडिया का, जिसमें मतलब कि अपना कोई कंटेस्टेंट आते हैं और अपना ना मतलब कि प्रोजेक्ट और वो बताते हैं, बिजनेस बताते हैं, और जजेस को अच्छा लगता है तो वो इन्वेस्ट करते हैं। ये है, आई थिंक। चले वीडियो देखते हैं। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो उधर भी देख लें, उनको भी सब्सक्राइब कर लें। चले देखते हैं इसमें सैवेज मूवमेंट क्या है। अब वी गो। मुझे आप लोगों से वो चाहिए कि मैं गल्तियां कर रहा हूं तो उसको ठीक कैसे करूं, एंड हाउ टू क्रिएट दैट होप टू ब्रिंग इन टू दे। क्या करें यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब मन भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, मन कर रहा है कि मैं डाल दूं। सर मैं तो हमेशा मन की बात सुनता हूं, वैसे मैं अपना बता, मैं अमन की बात सुनता हूं। गिव दैट अ वीडियो। आपने मुझे तीन लर्निंग बताई थी अपने पिछले स्टार्टअप में, वो कैसे आप यहाँ पे लगा रहे हो मुझे बता दो। सर एक तो सबसे बेसिक पॉइंट, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं विदाउट एनी ईगो, देयर बेटर देन मी। कैसे कह रहे चाहते हैं आप? जैसे टेक वाले लोग मेरे से बेटर हैं टेक पे, प्रोग्रामिंग वाले लोग प्रोग्रामिंग। आप उनको कैसे कन्विंस करके लाए? उसमें मैं बेटर हूँ। मैं अनुपम और अमन तीनों साथ आएंगे क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर बड़े जबरदस्त हो, तो हमारा ऑफर है 40 लाख फॉर 25%। ओके, 40 लाख। मैं सोच सकता हूँ एक मिनट? नहीं, आप तो खुद की सुनते थे, मन की सुनते थे। सर वो मन को ही एक मिनट सुनना है। इसका वो क्या है? रियूजेबल और पोर्टेबल अटैचमेंट है। योर लिफ्ट इज नॉट टचिंग द ग्लास डायरेक्टली। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे कि ग्लास को मास्क बनाऊंगा? पहला प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में इससे वाहियात प्रोडक्ट। मैं जिंदगी में ना देखूं भाई, ना मैं देखना चाहता हूं। ऐसे लोग जो है ना, ये जब हम हायर करने जाते हैं तो मिलते नहीं ऐसे लोग। जब मार्केट गिरेगी ना तभी ऐसे लोग मिलेंगे। आज की डेट में कोई भी अच्छा बंदा है वो एंटरप्रेन्योर बन रहा है। मैंने आपको यही तो सुबह बताया था, ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं पर मिलते नहीं है। बहुत देख लिया ना इसको, ये लोग मिलते नहीं, मिलेंगे इतने स्मार्ट लोग नहीं मिलेंगे। वो जो नर्ड वाले मिलेंगे ना, वो मिलेंगे। हां वो मिलेंगे। ओके, हाय शार्क्स, आई एम शशिकांत, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कोकोफिट प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद। हमारा बिजनेस आईडिया बहुत ही सिंपल है। कोकोनट दुनिया को पूरा कॉर्पोरेट बनाना है। आस्किंग फॉर ₹5 फॉर एन इक्विटी ऑफ 5% ऑफ आवर कंपनी। ओके, वी आर हैविंग फ्यू कंडीशंस। Like we got multiple franchise requests from different countries, and people are good to go CocoFit शुरू करने के लिए, but वही problem है कि हमको नहीं पता है कैसे to move on to multiple countries, क्योंकि operations बहुत मुश्किल है। We need someone who strongly supports us and who knows business better than us. The smokiness and the meaty flavor of the आपने बोला quick deal, एक offer देना चाहेंगे। इसको क्या हुआ? एक मिनट ऑफर देने दो यार। तो मैं और विनीता इसमें आना चाहेंगे टुगेदर 40 लाख फॉर 20% इक्विटी। चलो मेरा अनुपम और अमन का आपको ऑफर है सेम 40 लाख फॉर 20%। ओके, देखते हैं किसके साथ जाते हैं। अनदर ऑफर दैट आई'd लाइक टू गिव यू गाइस 40 लाख फॉर 15% इक्विटी। अरे गजल, हमसे जुड़ जाओ 20%। आप दोनों ने अनाउंस कर दिया, बोला ही कोई बात नहीं, कर लो। मैं अपना ऑफर देता हूँ, मैं नमिता, विनीता और गजल को ज्वाइन करना चाहूंगा अगर उन्हें को अलाउ करेंगे। क्या मजे, मतलब ठीक है, चलो ज्वाइन कर लो। सेम डील ना, टेक मोर शार्क्स इज माय व्यू। तो साथ के साथ शाक आपसे मिलना चाहते हैं। ओ, हाँ। बड़ी बात है साथ। तो आप सोचिए, अश्नीर का डायलॉग ऑफ द ईयर, चार लोग, जितने ज्यादा शाक सुना आपको लेने चाहिए। अभी भी डील देख ना, किसको जाएगी? इनको ही जाएगी। किसको? इनको, तीन दो उनको जाएगी। देखते हैं, देख, डोंट अंडरएस्टिमेट। हमको जाएगी तो बोला, देखते हैं किसको जाएगी। हम लोग गजल, नमिता, अश्नीर और विनीता के साथ ये डील करना चाहेंगे। और एक जनरल ट्रेड। मॉडर्न रिटेल में आते हैं बड़े स्टोर्स जो कि सुपर स्टोर होते हैं,
और जनरल ट्रेड में आते हैं छोटे किराने की दुकान। yes. तो जब हम मॉडर्न रिटेल की बात करते हैं तो हम बड़ी बड़ी दुकानों की बात कर रहे हैं, जैसे कि डी मार्ट और बिग। अच्छा, मतलब ये ऐसा शो है, इन्वेस्टमेंट का शो है। और मतलब कि वो जो आखिरी था उसकी मतलब कि जो भी बिजनेस होगा ना बहुत ही जबरदस्त होगा, इसलिए मतलब कि सबने ही ऑफर दी थी और उसका बताना चाहिए था यार क्या है, ताकि हमें भी पता चलता ना ऐसी क्या चीज थी जो वो बेच रहे थे, तो मतलब कि पसंद आई सबको। हाँ, शो दे के आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताना। और बहुत ही जबरदस्त शो लग रहा है ये मुझे, और काफी ये होना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए ना आइडियाज पे इन्वेस्टमेंट। और कमेंट करके बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।